आप सभी को 75 इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये पान कितने का होगा भैया? 15 का। 15 रुपए का पान। ओ भाई लोग, 15 रुपए का फायर पान। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नए से व्लॉग में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को 75 इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये सोच के रखा था कि आपको यहां का इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो दिखाऊंगा, एंड उसके लिए मैं लिटरली स्कूल भी गया था, बट ना कुछ भी अच्छा कुछ देखने को नहीं मिला जो मैं आपको दिखा पाऊँ। फिलहाल अभी शाम के 4:10 हो चुके हैं, एंड आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ के एक बहुत ही फेमस पकौड़े की दुकान में, जहाँ आपको चिकन पकौड़े, आलू पकौड़े, अंडा पकौड़े ये सब मिलते हैं, एंड एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसके लिए आज हम जाएंगे एंड आपको वो पूरा दिखाएंगे कि वो कैसा है। सो आज का ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड वहाँ पर ना क्या क्या होने वाला है सब आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर लाइक आपका ना 14 डेज से कंटिन्यू हवा दे रहा है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे वीडियो बनाने के लिए, एंड रुक ही नहीं रहा है। इसलिए मैं ना ये दुकान के पीछे आया ताकि यहाँ पर हवा रुके, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको आवाज़ भी क्लियर आए। अदरवाइज मैं यहाँ पर गया ना तो इतनी ज़्यादा हवा चलेगी ना, इतनी ज़्यादा हवा की आवाज़ आएगी ना, उसके बाद मेरा आवाज़ तो सुनाई नहीं देगा। इस पेड़ को देखिए, इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो भाई कितनी स्पीड हवा चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर हम अपना चिकन कटवा रहे हैं, एंड चिकन हम कटवा के ले जाएंगे वहाँ पर फ्राई करेंगे, एंड ऐसे क्यों ले जा रहे हैं वो मैं आपको वहाँ पहुँचने के बात बताऊंगा। तो अभी हम लोग लाइक 2 किलो चिकन ले जाएंगे, एंड हम यहाँ पर पूरे टोटल 5 लोग हैं, सो 5 लोगों के बीच में 2 किलो चिकन। यहाँ पर हम लोगों का 2 किलो चिकन रेडी हो चुका है, एंड अब इसको लेके जाएंगे हम नदी की तरफ जहाँ इसका फ्राई होगा। अभी हम पहुंच चुके हैं जहां हम आज ट्राई करने वाले हैं यहां का फेमस पकौड़ा, और चिकन पकौड़ा भी ट्राई करेंगे, जो कि आपने देखा कि हम चिकन ले कर आए हैं 2 किलो। जस्ट बिहाइंड ऑफ मी ये जो देख रहे हो छोटा सा, यहीं पर आपके ना शाम सब इतने ज़्यादा क्राउड होते हैं ना भाई, आपको अगर कुछ लेना भी हो ना तो कम से कम ना आधे घंटा वेट करना पड़ेगा। सो लाइक हमने वहाँ पर चिकन दे दिया है, एंड अभी वो फ्राई हो रहा है। सो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का फेमस चिकन पकौड़ा, जो कि कैसे बनाया जाता है एंड क्या क्या प्रोसेस है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं। हम लोगों का चिकन फ्राई होकर रेडी हो चुका है, एंड अभी हम जा रहे हैं ना नदी के पास बैठ के खाने के लिए, क्योंकि जहाँ पर दुकान है वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्रश है ना भाई, मतलब बैठने का भी जगह नहीं है। सो हम इस तरफ नदी के पास बैठेंगे, और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सो यहाँ पर बैठ के हम खाएंगे अपना चिकन। ये है हम लोगों का आज का फ्राई चिकन, एंड यहाँ पर आपको 2 प्रकार के भी मिलते हैं, जो कि आपका ना KFC से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है वो सा चिकन। तो हमने जस्ट नॉर्मल इसको फ्राई करवाया, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो 1, 2, 3, 4 लोगों के साथ और मैं मिला के 5 लोगों के लिए 2 किलो चिकन भाई, ये भी कम है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के खाएंगे सभी लोग मस्ती से। सो लाइक अभी ये देख कर ना तो मेरा भूख और ज़्यादा बढ़ गया, तो आप बर्दाश्त नहीं हो रहे, जल्दी से खाते हैं। यहाँ पर बच्चे लोग देखे नहा रहे हैं, ओ भाई लंगटा भी नहा रहा है।
जल पड़ा, वो देखिए जल पड़ा। हाँ चमड़ा टू फ्राई होने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे सब्जी बनाने में इतना टेस्टी नहीं लगता जितना अब लग रहा है। हम लोगों का यहाँ पर पूरा चिकन ख़त्म एंड लाइक इतना ज़्यादा टेस्टी लगा ना आपको बोल भी नहीं सकता। मेरा चेहरा देख के समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा खुश हुआ एंड लाइक और भी खाने का मन कर रहा है, और जितना भी खाओ ना यहाँ का पकौड़ा कम ही लगता है। अंकल जी भी क्या परफेक्टली मतलब मौसमी को कट किए एंड तीन गिलास एकदम परफेक्ट निकला, और यहाँ पर देखें थोड़ा सा भी नहीं है। तो ये हम लोगों का मौसमी का जूस, इतना मस्त लग रहा है ना, एकदम पीने के साथ ही एकदम एनर्जी आ रहा है बॉडी में, ऐसा लग रहा है। मज़ा आ गया भाई। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूपी में आपको पान कैसे देखने को मिलेगा। वैसे आपने मेरा पान वाला वीडियो भी देखा होगा जिसमें फायर पान खाया था एंड कुछ उसी प्रकार का हमें वहाँ पर पान मिलता है, एंड आज आप देखो यूपी का पान कैसा होता है। भैया ये कौन सा पान है? पर मगैया, मगैया पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। सलाई इतने छोटे से पान में आपको देखिए क्या क्या डालेंगे। और मैं एक बार कुछ दिन पहले आता है वो पापा के लिए जब पान लेके गया था ना जर्दा का, तो उसमें कितने प्रकार के जर्दा डाले थे ना यार, मैं तो देखते रह गया। नहीं उनसे भी पाँच छः आइटम डाले थे। और ये पान कितने का होगा भैया? 15 रुपये का पान। भाई ये तो फायर पान बना दे रहे हैं। ओ भाई लोग 15 रुपये का फायर पान, ये तो कहानी में भैया ट्विस्ट ला दी। हम तो सिर्फ पान मांगा था मीठा पान, तो फायर पान बना दे, चले बहुत अच्छा है। जलेगा तो नहीं ना मुँह? आप उसी तरह खाएंगे बस ऐसे नॉर्मली? अरे भाई मुझे लगा था कि आप वो देंगे। ओहो तो ये है 15 रुपये का, तो इसको फायर पान भी बोलने से चलता है ना, तो फायर पान ही समझ लो। ऐसे यहाँ के पान में और भी बहुत डिफरेंट टाइप के मिलते हैं जो कि 5 रुपये 7 रुपये 8 रुपये से, तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी अच्छा, बस 15 रुपये भी है। जो ना हम थोड़ा झूलेंगे इसमें, झूल लो भैया, हाँ टूटेगा नहीं ना? और ठीक है, वैसे हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी फैसिलिटीज नहीं मिलता था। तो ये पीछे जो देख रहे हो ना ये स्कूल है, और स्कूल के ठीक सामने आपको मतलब किड जोन है, काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ा सा बचपन अपना याद ताज़ा करते हैं। थैंक यू, वेलकम बोलो, वेलकम, वेलकम नहीं वेलकम, वेलकम तेज बोलो भाभी, तेज तेज से बोलो, जोर से वेलकम, बाय बाय, खेलो खेलो। इस प्रकार के वहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जितने भी है ना सब के सब टायर से बने हुए हैं, जस्ट लुक एट दिस, ये भी टायर है, ये भी टायर, फिर उधर में रखे वो भी टायर, सब टायर से ही है। क्या हो गया पड़ी, क्या हो गया? आओ 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 आओ, इधर आओ, और दे दे, क्या देगा, मेरे पास कुछ नहीं, आ जा इधर आ। इवनिंग के समय मेरे लिए देखिए क्या है, वाह भाई इतने फल आए हैं, लड्डू आए हैं, मिठाई है, और मेरा परी भी आ गई, परी भी आएगी, खाएगी, ए इधर देख, खाएगी, नहीं भाई ये देखकर तो अभी पूरा खाने का अच्छा हो रहा, तो सबसे पहले कौन सा खाया, तो यहाँ पर सेव खाने वाला नहीं हूँ, लड्डू खाने वाला नहीं हूँ, जो ये वाइट वाले मिठाई वो नहीं खाने वाला, तो लाल मूंग खाऊंगा।
इसके अंदर में आपको येलो कलर का क्रीम दिया है जिसके वजह से और भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। नहीं खाई, दूध वाला बनाई खाई, नहीं खाई।